वेलकम अगेन और ये है ब्यूटी सेगमेंट गुड मॉर्निंग विद सभी का। आप मॉर्निंग शो देख रहे हैं और आपका फेवरेट सेगमेंट और वो है ब्यूटी सेगमेंट। और यहाँ पर ब्यूटिशियन भी मौजूद है और इसके अंदर एक खास सेगमेंट भी सेगमेंट के अंदर एक खास गेस्ट भी मौजूद है, क्योंकि जितने भी स्किल्स से रेलेवेंट खवातीन जो आगे बढ़ के काम करती हैं तो हम उनको भी अपने साथ ज्वाइन करते हैं। तो लेट्स सी, सबसे पहले मैं अपने PBI की ऑफ कोर्स थैंकफुल हूँ क्योंकि वो हमेशा ब्यूटिशियन को ऑब्लाइज करते हैं। तो यहाँ पर मौजूद हैं ब्यूटिशियंस, पहले उनका इंट्रोडक्शन करवाते हैं और आज देखते हैं वो क्या प्रेजेंट कर रही हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर मौजूद हैं इरम रिजवान, अस्सलाम वालेकुम, और इनका सैलून का नाम है रबिकास जी। कैसे हो आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आज आप हमारे मॉर्निंग शो में आई, बहुत अच्छा लगा। आप लोगों ने बुलाया और मुझे बहुत अच्छा लगा, और थैंक्स टू यू PBI के वाकई हमें यहाँ आने का मौका मिला। और आज मैं प्रेजेंट कर रही हूँ अपनी वलीमा ब्राइड्स। अच्छा, आज वलीमा ब्राइड्स हैं। और अच्छा, क्योंकि टाइम नाज़िम शॉर्ट होते तो हम लोग कोशिश करते कि कुछ चीजें हम पहले से ही प्रेजेंट कर, जैसे हेयर स्टाइल में टाइम लगता है, बेस को थोड़ा टाइम लगता है, तो थोड़ा ब्रीफ कर दें, फिर अब इसको फिर आई मेकअप के पर जाएंगे। मैंने बेस बना दिया है इनका, यानी मुसर्रत मिसबा पे कंसीलर करके उसके बाद जो है मैंने बस इतना कर दिया है कि कंटूरिंग वगैरह कर दिया, अब आई मेकअप मैं आप लोगों के सामने। अच्छा, आपने पहले मुसर्रत मिसबा का बेस लगाया? बिल्कुल। और इसके अलावा क्या फिर आपने कॉम्पैक्ट दिया है मैंने, और कंटूरिंग किट्स इनके, वो भी मुसर्रत मिसबा की है जी, बेस है। अच्छा, कुछ लोग होते हैं अपने अपने पसंद से ब्रांड यूज करते हैं, कोई मसला नहीं, इशू थोड़ी, हर किसी का अपना एक टेक्निक होती है। तो आजकल जो आपने बड़ा प्यारा वलीमा ब्राइड का कलर बड़ा खूबसूरत चूज किया, वरना ऐसा कलर मैं कम ही देखती हूँ। चले, थैंक्स फॉर कमिंग बीन ऑन शो इरम रिजवान, आप कंटिन्यू कीजिए आई मेकओवर, फिर हम आहिस्ता आहिस्ता फिर आपके पास आते हैं। जी नाज़िम, ये थी इरम रिजवान। हम नेक्स्ट ब्यूटिशियन की जानिब चलते हैं और देखते हैं वो कौन से डे की ब्राइड लगी है, पार्टी मेकअप है या ब्राइडल है या बारात का है या रिसेप्शन वलीमा है। तो हम उनकी तरफ चलते हैं जी। शाहिदा खान मौजूद हैं MS ब्यूटी गर्ल्स सैलून से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम, कैसे हो आप? ठीक हो? ठीक ठाक। सिंपल सी है, लिपस्टिक तक नहीं लगाई, फिर मैंने इनको दौड़ाया, मैंने कहा जाके खुदा के लिए सिंपल सिटी अच्छी है, आप स्क्रीन पर थोड़ा सा तो लिपस्टिक लगा लो। अच्छा जी, आज कौन सा ये मेकओवर है? जी मैम, मैं ये फिल्मी की ब्राइड बना। पहले तो ये बताओ यहाँ पे आना कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा, बहुत मजा आ रहा है यहाँ पर। और सबसे पहले मैं थैंक्स बोलूंगी आप लोगों का, सर अर्श का, आप मैम सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें यहाँ पे बुलाया, बहुत अच्छा लगा। स्वीट, आप बहुत, अल्लाह पाक आपको कामयाबियां दे, आगे बढ़ के काम करो और खूब बिजनेस डेवलप हो आप लोगों का, कभी किसी के मोहताज ना रहो, ये मेरी बेस्ट विशेस आपके लिए। अच्छा आज आप मुझे बताओ, ब्रीफ करो, हेयर स्टाइल आपने बना लिया है? जी मैम, मैंने हेयर स्टाइल बना लिया है, बेस ओके कर दिए, कैलरॉन जस्ट काम कर दी हूं मैं। आपने कैलरॉन के ऊपर बेस बनाई, गुड है। और कंट्रोलिंग मैंने क्रिस्टीन से किया मैम, और लिपस्टिक के बस शाम से शो ले जाओ। आई मेकओवर आपने करना है जी अभी? अच्छा, हेयर स्टाइल आपने बहुत जरूर फ्लफी साइड वाला लिए? जी जी, ठीक, गुड, आप स्टार्ट कीजिए। ठीक है, हम लोग आई मेकअप शुरू की दिए, हम आपके पास थोड़ी देर बाद, अगर आपने भी हमें आवाज दे दी तो हम आ जाएंगे, आ जाओ। तो हम आपके इधर कुछ बताना चाहेंगे ना, तो हम आपको साथ में ज्वाइन कर लेंगे। लेट्स सी, साथ साथ हमारे पास इरम भी मौजूद है, इरम रिजवान एंड शाहिदा खान, ब्यूटिशियन है, माशाल्लाह बहुत अच्छा काम करती हैं, हमें अच्छा लगा, हमने कहा आप लोग आए और औरों को भी दिखाएं। तो इस वक्त एक और हमारे दरमियान हमारे गेस्ट मौजूद हैं। देखिए इंसान, खवातीन जो है ना, ऐसा नहीं है कि अल्लाह पाक ने अपनी तख्लीक में खूबसूरती में एक औरत का वजूद क्रिएट किया, और वजूद जन से तस्वीर कायनात में रंग, और इसमें कोई शक नहीं है, औरत जो है हर तरह, घर में भी, बच्चों को भी, और अपनी उनके अंदर भी वही जो दिमाग एक मर्द में होता है, दिमाग उसी की तरह उसकी भी क्रिएशन होती है, उसकी क्रिएटिविटी होती है, बहुत सारे जो है वो अपना काम करके दिखाती हैं और ऐसा कुछ करती हैं जिससे और लोगों को भी बेनिफिट हो, उसके अपने घर को भी हो, लेकिन और लोग भी उस खूबसूरती उस क्रिएशन से जो है वो फ़ायदा उठाएँ और इंस्पायर हों। तो ऐसे लोग हैं जो दिल की बात करना बड़े डिफरेंट अंदाज में बहुत अच्छी तरह जानते हैं, अपने हाथों के रंगों से अपने कैनवस के ऊपर जब क्रिएट करते हैं तो एक एक हसीन तस्वर कायम होता है, हम लोग देखते हैं उसको, उस तख्लीक को। तो यहाँ पर एक बहुत ही ज़बरदस्त एक मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं, सॉरी एक्टिविस्ट हैं, और सोशल एक्टिविस्ट हैं, सॉरी माज़रत, सोशल एक्टिविस्ट भी हैं, पोइटिस्ट भी हैं और आर्टिस्ट भी हैं, पेंटिंग आर्टिस्ट भी हैं। यहाँ पर मौजूद हैं शाहिदा,
शबाना खान, अस्सलाम वालेकुम। सारे शाहिदा शबाना इकट्ठे हो गए जी। शबाना खान साहिबा कैसी हैं आप? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह, मैं ठीक हूं। और माशाल्लाह आपकी क्रिएशन के बारे में मैं बताना चाह रही थी और नाज़रीन को बताया कि औरत बहुत टैलेंटेड होती है, इसमें कोई शक? बेशक, बिल्कुल। आप देखेंगे अल्लाह ताला ने जब औरत को बनाया है तो एक औरत एट अ टाइम हर चीज़ को मैनेज कर सकती है। लाइक वो घर भी देख सकती है, वो बच्चों को भी देख सकती है, वो ऑफिस जॉब भी कर सकती है, वहाँ से आके अपने घर को मैनेज करेगी, फैमिली को देखेगी और उसकी जो एक्टिविटीज़ हैं उनको भी कंटिन्यू करती है। तो ये सारे जो हैं अल्हम्दुलिल्लाह औरत को अल्लाह ने जो बनाया है तो एक खूबसूरत जिसे कहते हैं ना तोहफा है बस। तोहफा है, इसमें कोई शक नहीं। बड़ी प्यारी सी मेरी बहन यहाँ पर बैठी हैं और शबाना खान इनका नाम है और जिस तरह मैंने कहा कि ये एक शायर शायरा भी हैं, फिर ये माशाल्लाह पेंटिंग, मैंने अभी पेंटिंग से इनको भी मैंने कहा इंशाल्लाह एक एक्सक्लूसिव शो पेंटिंग का भी हो जाएगा इनके साथ, वो भी हम करेंगे। और इसके अलावा ये सोशल वर्किंग भी करती हैं, सोशल एक्टिविस्ट भी हैं। तो मैं अगेन आपको मिलवाती हूँ शबाना खान से। बेसिकली आई एम प्रेसिडेंट ऑफ कराची रेजिडेंसी। माशाल्लाह ग्रेट। एंड आई एम सोशल एक्टिविस्ट। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा ये सोशल वर्किंग में क्या करते हो बेसिकली? देखिए मैं डिफरेंट एनजीओज में होती हूँ जिसमें DW भी है, आपने सुना होगा बेगम राना लियाकत अली खान ने जो स्टार्ट की थी अपना, तो उसको अब मैम शमीम काजमी रन कर रही हैं, मैं उनके साथ भी काम कर रही हूँ। रोटरिक में भी हूँ मैं और कराची रेजिडेंसी की प्रेजिडेंट भी हूँ। सोशल एक्टिविस्ट के अलावा बस अपने जो मशागिल हैं ये भी कंटिन्यू करती हूँ। जबरदस्त। अच्छा मशागिल अभी शायरी तो मुझे बहुत अच्छी लगती है और मज़ेदार हो तो फिर और मज़ा आता है, तो कुछ अच्छा सा शेर स्टार्ट हो जाए। अभी मैं आपको, आप किस तरह का चाह रही हैं, सेट चाह रही हैं या रोमांटिक? जो आपको अच्छा लगता है। मैं आपको एक कथा सुना देती हूँ। रही दर्द शब ना हुई सहर, आए है। रही दर्द शब ना हुई सहर, मिले गम तलब के ही रूप में। रही दर्द शब ना हुई सहर, मिले गम तलब के ही रूप में, मुझे उस अबर की तलाश है वो जो खो गया कहीं धूप में। आए हाय हाय हाय, क्या बात है मैम, क्या बात है शबाना जी, जबरदस्त। अच्छा अगर आप मूड चेंज करना चाह रहे हैं करें ना तो कुछ अच्छा भी सुना देती हूँ। कभी चेहरे को छूती है, कभी दामन हिलाती है, कभी चेहरे को छूती है, कभी दामन हिलाती है, कभी जुल्फों को बिखरा कर मुझे सावन नहाती है। आए हाय हाय, ये मेरे शहर की हवा भी तेरे जैसी हुई, मुझे बेखुद सी कर बैठी, मुझे पागल बनाती है। आए आए आए, क्या बात है भाई, खुश कीते ही। तुसी ग्रेट हो शबाना खान जी, बहुत जबरदस्त। अच्छा लगा नज़्म में साथ ज्वाइन करती जी, जी गजल मैं बताती। अच्छा आप गजल निकालें, हम जरा इन गजलों के पास चलते हैं ब्यूटीशियन की जानिब। जी मेरी प्यारी प्यारी बहनों और खूबसूरत बहनों, और जी इरम क्या कर रहा है, कहाँ तक? यस सबसे पहले मैम, सबसे पहले मैंने आईवेज लगाया, उसके बाद जो इनका कलर था वही पिंक मैंने उठाकर इनका जो है साइड पर लगाना शुरू किया, और दूसरा मैं कट क्रीज मेकअप कर रही हूं। ठीक है, तो मैम कट क्रीज, कट क्रीज जी। नाज़रीन इस वक्त इरम से पहले मैंने आपको इनकी आई बेस के ऊपर देखे, स्क्रीन पर भी नजर आ रहे हैं। अब हम सेकंड ब्यूटिशियन की जानिब चलते हैं और देखते हैं कि उन्होंने जो है आई मेकओवर कैसे स्टार्ट किया। तो जी हमारे पास शाहिदा जी 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 जी, मैं भी आई बेस मेड कर रही हूँ इनकी, उसके पास सेकंड एरिया बना रही हूँ। बताना क्लोज में क्या, सबसे पहले आई के ऊपर क्या लगाया? आई बेस लगाया, आई बेस लगाया, उसके बाद मैंने सॉकेट एरिया शुरू कर, सॉकेट एरिया इसको शुरू किया। अब मैं कॉर्नर ब्लेंड कर रही हूं, करें हम देखते हैं जी। हमारे पास ये देखें जी, इरम और सॉरी शाहिदा जी जो है वो थोड़ा सा आप नाज़रीन देखिएगा क्लोज में, गुड। ये शायद इस वाली आई के ऊपर करना चंदा, हाँ ये जरा कैमरे पे भी नाज़रीन देख सके, एक जरा स्टाइल देख लेना किस तरीके से जो ब्लेंडिंग की जाती है सॉकेट एरिया को। यस, कौन सा कलर है ये वाला, ब्लू या ब्लैक? ब्लैक और पर्पल में। अच्छा पर्पल है, ये भी तो बताया करें। अच्छा ये भी है कि कहते हैं बिल्ली जो है ना दरख्त पे चढ़ना नहीं सिखाती शेर को। नहीं ऐसा कुछ नहीं होगा, गुड मॉर्निंग सभी में ऐसा नहीं होगा, जबरदस्त। अच्छा जी हम लोग चलते हैं इस वक्त शबाना की तरफ, शबाना खान। और जी आपकी गजल रेडी है या नज़्म में? क्या जी मेरे पास है। यस गजल है, तेरी तस्वीर मेरे हाथ में है, आए हाय हाय, तेरी तस्वीर मेरे हाथ में है, फिर वही शोर आज रात में है, आए हाय हाय,
तेरी तस्वीर मेरे हाथ में है, जबरदस्त। फिर वही शोर आज रात में है, जलाए जाता है दिल को मेरे पर भाता है, जलाए जाता है। अच्छा, जलाए जाता है दिल को मेरे पर भाता है। आए हाय, वो मेरी सोच में है मेरी हर एक बात, वो मेरी सोच में है। तू दे रहा है गुले मेहर, मगर गौर तो कर। तू दे रहा है गुले मेहर मगर गौर तो कर। जहर आलूद एक खार उसके साथ में। आए हाय हाय हाय, जबरदस्त। तू दे रहा है गुले मेहर मगर गौर तो कर, जहर आलूद एक खार उसके साथ में है। और दिया था जिसने मेरी आंखों को सावन का तोहफा, दिया था जिसने मेरी आंखों को सावन का तोहफा। पता चला है वो एक अरसे से बरसात में। आए हाय हाय हाय, वाह जी वाह। निकल गए हैं कितने लोग आगे देख जरा। और तू अभी तक गिरदाबे जात पात में है। आए हाय हाय, अरे वाह भाई वाह वाह, शोभाना जी तुसी ग्रेट हो। थैंक यू सो मच, जबरदस्त। आप वाकई में यकीन करें ऐसी अक्कासी हो रही है, और ये वाकई में ऐसा ही होता है कि लोग जो अपनी फीलिंग का इजहार करते हैं, जो कहते हैं वो एक सामने एक विजुलाइज हो जाता है कि यार ऐसा होता है, ऐसा होता है, मोस्टली होता है, मोस्टली ऐसे होता है। अच्छा, नेक्स्ट आप सुने कि कफ़स-ए-जिस्म में कैद तायरे दिल का फरेब मुस्कुराहट से किया शिकार उसने। आए हाय हाय, फरेब मुस्कुराहट से किया शिकार उसने। निकल गया है बहुत दूर वफा की सरहद से। ओके, कहा था साथ निभाने को बार बार उसने। आए हाय हाय, बड़ा झूठा निकला, बहुत ही झूठा। तमाम तार मेरे दिल के खुद ही तोड़ दिए। वो तो नहीं जो लेकर आए थे। सजाया प्यार से जो था दिले सितार उसने। आए अल्लाह, तोहफा मेहरो गुल के बदले में हमेशा तुझे। तोहफा मेहरो गुल के बदले में हमेशा तुझे। दिए हैं बेशुमार बागे खारजार उसने। आए हाय हाय हाय, क्या बात है। तहय्युर ज़दा है देखकर वो मुझको मुस्तरिब। जैसे कभी किया ना ये दिल बेकरार उसने। आए हाय हाय हाय, क्या बात। तेरा दामन तो जब भी खाली था और अब भी है। तेरा दामन तो जब भी खाली था और अब भी है। दिया है क्या तुझे अब तक तो बता तार उसने। आए हाय, एक्चुअली तार जो है वो मेरा तखल्लुस है, मैं शाबी तार के नाम से पोइट्रीज लिखती हूँ। अच्छा। और बहुत से लोग बोलते हैं तार कौन सा, इलेक्ट्रिसिटी का तार। आपने चुना भी तो ऐसा ही है ना तुमने। नहीं, एक्चुअली अगर आप देखें लुगत में जाकर, उर्दू लुगत में, तो तार के मीन्स हैं तारीकी। तो मेरा नाम जैसे कि शबाना है, तो शबाना का मतलब है रात का आना। अच्छा। और तार के मतलब है तारीकी, मींस के जब तक तारीकी ना हो तो शब बेमायनी है। तो इसलिए मैंने शबाने के साथ शाबी तार करके अपना तखल्लुस रखा और इस नाम से ही मैं पूछ। क्या बात है, क्या अच्छा। अपने नाम की ब्रीफिंग बड़ी अच्छी की आपने, कि अपने मीनिंग को सामने रखते हुए आपने अपने आप को वो तखल्लुस प्रेजेंट किया। अब लोग सेट तो बहुत से रखते हैं, आशिक दर्द ये वो, तो मैंने बिल्कुल एक यूनिक सा रखा कि लोग मतलब पूछे मुझसे कि ये तार आपने रखा है तो मतलब जान रख लेती, जान भी अच्छा। बहुत कॉमन चीज है ना, आई डोंट लाइक कॉमन थिंग्स। कैसी हो शबाना जान, अब कहेंगे यार कैसी हो शबाना तार। तो हर कोई की, मतलब हर किसी की जान हो जाऊंगी ना मैं, तो आई डोंट वांट एवरीबॉडी। बिक्री पड़ी है ये जान, बिक्री पड़ी है हर किसी की जबान पर। जबान पर चले हम अपनी ब्यूटीशियन की जानिब चलते हैं, शाहिदा खान की तरफ चलते हैं। ओहो जबरदस्त। अच्छा जी, इनकी आई मेकओवर काफ़ी, देखा ना कितना टाइम लगता है, इसीलिए सिर्फ मैं इनसे आई मेकओवर करवाती हूँ, क्योंकि टाइम का पता ही नहीं चलता और टाइम पर लगा के निकल जाता है। जरा सा जल्दी जल्दी लड़की हो, ये ना हो कि आपकी प्रेजेंटेशन जो है वो रह जाए। अच्छा जी, आप लोग फिर आईलैशेस भी लगाएंगी? जी नहीं, मैं ज्यादा इनसे बात नहीं करती, अब जैसे ही बात करूंगी खड़े होकर मुझे ब्रीफ करने लगेंगे। अच्छा, ये जो है अभी जो सीजन बहुत
गर्मी वेदर बहुत ज्यादा हो रहा है, तो मुझे ये जरा मेरी प्यारी बहन इरम ब्लैक सूट में, इरम है इनका नाम रखा ब्लैक सूट में इरम, इरम ये बताओ कि जब गर्मी ज्यादा होती है तो ऑफ कोर्स ब्राइड को पसीना वगैरह भी आता है, तो इसे कैसे कंट्रोल किया जाए? वैसे मैम पहले हम ये कहते हैं कि आइसिंग वगैरह कर लें अगर घर में आप लोग कर रहे हैं, और जब हम ब्राइड बनाते हैं तो हम कैरल उनका आता है एंटरप्राइज जो है हम जो है ना वो यूज करते हैं कैरल उनमें आता है, तो वो जो है हम पूरे फेस पे लगाते रहते हैं ना, तो उससे ये होता है कि स्वीटिंग कम हो जाती है हमारी, ठीक है वो बेहतर होता है, या फिर जैसे स्किन होती है उसके हिसाब से, अगर स्किन हम प्राइमर भी यूज करते हैं, हम बहुत सारी इस तरह की चीजें यूज करते हैं। ठीक है ठीक है ठीक है, थैंक यू सो मच। अच्छा जी हम लोग शबाना की तरफ चलते हैं, शबाना नेक्स्ट क्या है आपके पास? नेक्स्ट जलाते जाओगे कितने ही दिए रोशनी को तुम, हाय 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 जबरदस्त, जलाते जाओगे कितने ही दिए रोशनी को तुम, शब की मानिंद ही लगेगा हर दिया मेरे बाद, हाय हाय शब की मानिंद ही लगेगा हर दिया, जलाते जाओगे कितने ही दिए रोशनी को तुम, शब की मानिंद ही लगेगा हर दिया मेरे बाद, रची बसी तो हुई होगी मेरे अंग की खुशबू, रची बसी तो हुई होगी मेरे अंग की खुशबू, जख्म जख्म कर देगी पर तुझको सबा मेरे बाद, आए हाय हाय जबरदस्त, छुपा के जख्म खिजा के बहार दी मैंने, छुपा के जख्म खिजा के बहार दी मैंने, तुझको पूर्णम सी लगेगी ये फिजा मेरे बाद, आए हाय हाय जबरदस्त जबरदस्त, मैं तो कुछ खास नहीं, मैं तो कुछ खास नहीं पर ये बता दूं तुझको, बता दूं तुझको, मैं तो कुछ खास नहीं पर ये बता दूं तुझको, ना भाएगी कोई भी शोक अदा मेरे बाद, हाय 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 जबरदस्त, जलाकर राख कर डाला तेरी फुरकत ने ऐ जाना, जलाकर राख कर डाला तेरी फुरकत ने ऐ जाना, किसी को देना ना अब तुम ये सजा मेरे बाद, क्या बात है क्या बात, तेरी हर बात पर सजदा किया है मैंने जाना, तेरी हर बात पर सजदा किया है मैंने जाना, कौन होगा जो सुनेगा सॉरी कौन होगा जो सुनेगा ये सदा मेरे बात, थैंक यू क्या बात। अच्छा एक चीज मैंने देखी शायरी में, अपने आप को बहुत या तो बहुत इनको यूं अल्फाज कह सकती हूँ कि मैंने देखा शायरों को ये जो लेडीज हों या जेंट्स हों इनकी शायरी में एक टोटल एक चीज बड़ी पाई जाती वो है मैं, मतलब मैं बहुत तुम्हें चाहती हूँ या चाहता हूँ और आप मुझे वो वैल्यूज, ऐसे आपकी वो नहीं कर रही हूँ, वैसे मैंने शायरी में जो देखा कि मैं यूं मैं वो और तुम वो चीज़ नहीं, और मैं यूं मैं वो और तुमने वो नहीं किया, मतलब उस शायरी के अंदर ऐसा क्यों पॉइंटेड होता है, आप नोट कीजिए। नहीं देखें आप जिस तरह मैंने मतलब अभी आपको अपने आप को फील करवाना, मतलब प्रेजेंट करना कि देखो मेरी चाहत कितनी ज्यादा है और तुम वो चीज़ मुझे चाहत दे नहीं रहे हो, ऐसा क्यों ऐसा होता है? देखें ये तो एक ये शायरों में क्यों ऐसी सेंसिटिव होता है, शायर बहुत हसास तबीयत के होते हैं, तो डॉक्टर के पास जाना चाहिए ना? नहीं हसास तबीयत वाले डॉक्टर के पास नहीं जा सकते क्योंकि वो उनकी फीलिंग्स होती हैं। अच्छा हाँ तो ये होता है कि मोस्टली अब जैसे मैंने स्टार्ट में आपको एक बहुत ही ऐसी आपको आजाद नज़म सुनाई जिससे आप फ्रेश हो गई, जिसके मैंने अभी बताया कि मौसम के बारे में और हवा के बारे में और सावन के बारे में, इसी तरह से ये समटाइम फीलिंग्स भी होती है। लेकिन आप लोग एक और चीज भी प्रेजेंट करते हो, जैसे मैं बहुत खुश हो रही है, मतलब अच्छा लग रहा था, तो ये वाकई में एक दूसरे की दास्तान आप सुना रहे समझ ले, ये भी हो सकता है। देखिए हमारे मंदिर का जो माहौल होता है जो हम देख रहे होते हैं वही प्रेजेंट करते हैं, वही प्रेजेंट करते हैं, समटाइम अपनी भी फीलिंग्स होती हैं, ऐसी बात नहीं होती कि अगर आप खुश हैं तो आप उस वक्त बहुत कुछ अच्छा लिखेंगे, आप सैड हैं थोड़ा सा तो फिर आप थोड़ा सा सैड की तरफ, मूड के मुताबिक शायरी जो प्रेजेंट की जाती है मूड के। अच्छा समटाइम चलते चलते आपको याद आ जाता है, मैं एक दफा रास्ते में जा रही थी, मैंने अपने बाबा जानी के नाम पर, ओए सो स्वीट, तो वो अगर है तो मैं आपको, हां श्योर श्योर आप निकालें बाबा जानी के लिए, हम चलते हैं इस तरफ, कहां इरम, इरम क्या अभी रह गया चंदा, जैसे क्विकली कर रहे, यू हैव जस्ट ओनली 15 मिनट्स 15 मिनट्स जैसे जल्दी। अच्छा हम लोग दूसरी वाली ब्यूटिशियन की जाने मूव करते हैं, हमारे पास जी शाहिदा जी, मेरा सोना कितना पहुंचा आपका? मैम मैं सिर्फ लाइनर लगाना है, लाइनर लगाना है जी। वाह वाह जबरदस्त, इनके चेहरे का जरा फोकस, जरा गुड़िया सीधा मुंह रखिएगा, मॉडल शाहिदा खान वाली मॉडल, जरा ऐसे नीचे करें ऐसे चिन को, चेहरे को ऐसे, हाँ ये गुड जी, राजे देखिए इनका पूरा मेकओवर डन हो गया है मैम, लाइनर लाइनर जरा जल्दी लगा दो, ठीक है गुड
गुड वेरी गुड। चलिए जी आपकी शबाना जी। अच्छा बस मैं ऐसे ही ट्रैवलिंग कर रही थी और मुझे अपने बाबा की एक्चुअली बरसी भी आ रही थी उनकी, तो याद थी उनकी तो लिख लिया चलते चलते कभी सम टाइम घर पे, तो मैंने उनके नाम पर लिखा है, आपने जब मुझे सीने से लगाया बाबा, आए हाय आपने जब मुझे सीने से लगाया बाबा, खुद को मजबूत बहुत मजबूत है पाया बाबा, आए हाय टूट के दुनिया के रवैयों से जब जब बिखरी, टूट के दुनिया के रवैयों से जब जब बिखरी, आपने ख्वाब में सीने से लगाया बाबा, आप कहते थे मेरी बेटी नहीं बेटा हो तुम, आप कहते थे मेरी बेटी नहीं बेटा हो तुम, आपका भर्म ये हर भार निभाया बाबा, मुझ पे हर रिश्ता अपना हक जताता ही गया, मुझ पे हर रिश्ता अपना हक जताता ही गया, करके एहसान किसी को ना जताया बाबा, आप कहते थे ना कि जख्म आया ना करना, आप कहते थे कि जख्म आया ना करना, अपने हर जख्म को सीने में छुपाया बाबा, बिखर बिखर सी गई टूट टूट भी गई मैं, बिखर बिखर सी गई टूट टूट भी गई मैं, किसी को शक ना हुआ खुद को सजाया बाबा, आए हाय हाय जबरदस्त, मेरे अतराफ रक्स करते चले जाते हैं, मेरे अतराफ रक्स करते चले जाते हैं, दुखों के सायों को कितना तो हटाया बाबा, आए हाय सो स्वीट, लोग तो जिंदगी में आए मगर दुख देने, लोग तो जिंदगी में आए मगर दुख देने, आप सा मुखलिस किसी को भी ना पाया बाबा, आए ग्रेट जबरदस्त। अच्छा जी किसकी ब्राइट गर्ल हो गई है, हेलो कहाँ चली गई बच्ची हो? अच्छा इरम के जरा मैं चाहूंगी मेकअप को क्लोज में देखा जाए, इरम दिखाना ये कितना रह गया चंदा? मैं ऑलमोस्ट डन हूं मेरा। ओके जल्दी कर लो ताकि हम लोग आप लोगों की प्रेजेंटेशन दिखा दें जल्दी से, शाबाश जी। नाज़रीन आप लोग देख रहे हैं ब्यूटी सेगमेंट और इस वक्त जो ब्यूटिशियन इरम भी मौजूद है और शाहिदा खान भी मौजूद है और जबरदस्त जो है उन्होंने रिसेप्शन वलीमा ब्राइट इन्होंने प्रेजेंट किया है और कलर्स कॉम्बिनेशन भी बहुत सॉफ्ट है दोनों के और मेकओवर स्टाइल भी दोनों के बॉडी क्योंकि कलर जब ड्रेस जैसा होता है जस्ट लाइक तो फिर मेकओवर को भी उसी तरह हमें चूज करना पड़ता है, फिर एज बहुत काउंट करती है आपकी, आप ज्यादा हेल्दी है तो काउंट करता है, कॉम्प्लेक्शन आपका कैसा है वो भी बड़ा काउंट करता है। पीबीआई थैंक्स जो अपने ब्यूटिशियंस अपने जितनी भी ब्यूटिशियन उनको ऑब्लाइज करते हैं ये बहुत अच्छी बात है और डे बाय डे वहाँ से जो ब्यूटिशियंस आती रहती हैं थैंक्स फॉर पीबीआई। और जी कितना रह गया गुड़िया, ये लग रहा है मस्कारा हमारा तुम्हारा गुड वेरी गुड। अच्छा जी मैं साथ साथ आपको एक जिस तरह इरम ने भी और ये लोग मेकओवर कर रहे हैं और मेकओवर करने से पहले कुछ लोग प्राइमर भी लगाते हैं ताकि आप लोगों की स्किन डैमेज ना हो क्योंकि बेस लगता है सब कुछ लगता है, तो प्राइमर जो है वो ज़रूर यूज़ किया करें, तमाम ब्यूटिशियंस मैं भी यूज़ करती हूँ और वो जब आप अपने क्लाइंट हो या वैसे भी घर में भी जब भी मैं मेकओवर करने मेकओवर से पहले जब भी मेकओवर करें उससे पहले आप लोग अपने स्किन के ऊपर जो है वो प्राइमर जरूर यूज, क्योंकि सही कह रही हूँ मैं? यस मैम, पोर्स ओपन होते हैं वो भी क्लोज हो जाते हैं, ठीक है इस वजह से प्राइमर तो लाजमी यूज करना चाहिए। ओके मेरी नॉलेज में भी इजाफा। अच्छा शबाना कह रही मेरी नॉलेज में भी इजाफा, सिंपल सा जिस तरह से बस ट्राई नहीं वो स्किन जो मैं जैसे रेगुलर इस्तेमाल करती हूँ तो ऑफकोर्स मुझे अपने स्किन का फिर थोड़ा सा ख्याल रखना पड़ता है, थोड़ा नहीं बहुत ज्यादा, और सबसे पहले फिर मैं अपने जब ये एक और मैं बताऊंगी, अक्सर मैंने देखा है कुछ लोग डायरेक्ट जाके चेहरे को वॉश आउट करते हैं, नहीं पहले आप लोग अपने जब अगर आपके चेहरे के ऊपर जो है फेस के ऊपर मेकओवर है तो सबसे पहले आप इसको किसी भी क्लिंजर से अच्छी तरह क्लिंजिंग करें, टिश्यू पेपर से उसको साफ कीजिए, उसके बाद आप फेस वॉश यूज करें, सही कह रही हूँ जी बिल्कुल। कुछ लोग पता क्या करते हैं डायरेक्ट जाके साबुन से रगड़ रगड़ के धोना शुरू कर, शादियों में अक्सर देखा है मैंने, वो जब रात बहुत 2-3 बज जाते हैं ना तो उनको कुछ परवाह ही नहीं होती, कहते बस जाके या तो ऐसे ही सो जाती है मोस्टली। सर तो लास्ट सॉरी टू से
मैंने कुछ लोगों को सपोर्ट के लड़कियां खास तौर पे जितनी हूँ कमर्स होते हैं उनको यही नहीं मालूम कि वैसे ही सो जाएंगी लड़कियां, जहाँ तक की होंगी ना बस कपड़े चेंज करती है सो जाती है। okay, वैसे भी देख के कहती है यार अच्छे लग रहे हैं, सुबह भी अच्छे लगेंगे। सुबह नहीं अच्छे लगते, मस्कारा यूं काजल यूं, अजीब से उनकी हवाइयां उड़ी होती है, टैक्सी और हेयर स्टाइल भी नहीं खोलती कभी कभी तो, ऊपर बड़ी खूबसूरत और मजीद खूबसूरती खूबसूरती चौधरी का खूबसूरती। अच्छा जी हम जवाना जी लास्ट हमें कुछ सुना दीजिए जी। एक बेवफा से वफा करती रही मैं, खत्म है बस, खत्म है ये बात। एक बेवफा से वफा करती रही हूँ मैं, क्यों किस लिए उससे वफा करती रही हूँ, क्यों किस लिए इससे वफा करती रही हूँ मैं, और बोले उड़ा रहा है तमस्कर जो मेरे प्यार का अब तक, आए हाय क्या उड़ा रहा है तमस्कर जो मेरे प्यार का अब तक, खुद को तबाह उसके लिए करती रही हूँ मैं, कोई कसम खुदा की तुझे मैं चाहती हूँ अब फिर भी अपना कह नहीं सकती, तुझे मैं चाहती हूँ फिर भी अपना कह नहीं सकती, सितम क्या कम है कि खुद पे जफा करती रही हूँ मैं, तुझे पाने की ख्वाहिश ने यूं तन्हा कर दिया मुझको, आए हाय हाय तुझे पाने की ख्वाहिश ने यूं तन्हा कर दिया मुझको कि अपने खैर ख्वाहों को खफा करती रही हूँ मैं। आए, so sweet. ये बेचारे किसी की दिल जली की स्टोरी, इन्होंने जली की स्टोरी सुनाई है, और ऐसी हैं लड़कियाँ वो या तो किसी के शादीशुदा मर्द से प्यार कर बैठती है या तो फिर जिससे अच्छा, कर रही है उसकी कहीं और शादी हो जाती हो जाता है कि मुझे ना टॉपिक दे देते हैं या वर्ड्स दे देते हैं कि यार ये आपने करके रखना है तो फिर मैं वो रेडी कर देती हूँ। नहीं यार बड़ा बड़ा जबरदस्त आपने किया है, इसमें कोई शक नहीं। अच्छा गुड़िया हो गई डन, शाबाश हो गया, गुड 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 हो गया आपका एकदम, यस। चले जी सॉन्ग रेडी करें, हम यहाँ पर पहले एक छोटी सी ब्रेक ले लेते हैं, उसके बाद हम ब्रेक से वापस आते, जाना है और आना है, लेते हैं यहाँ पर ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद गुड मॉर्निंग विद सभी के साथ।